कांग्रेस ने महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कहा उन्होंने अपने शपथ पत्र में गलत व अपूर्ण जानकारी दी। इसके बावजूद जिला निर्वाचन अधिकारी ने विजयवर्गीय को क्लीन चिट दे दी। अब कांग्रेस इस मामले की शिकायत निर्वाचन आयोग से कर रही है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने अपने नामांकन में अधूरी जानकारी दी है। विजयवर्गीय के द्वारा शपथ पत्र में उनके खिलाफ दर्ज हुए सामूहिक बलात्कार के मामले को छुपाया गया है। इस मामले की कोई जानकारी इसे शपथ पत्र में नहीं दी गई है। इस मामले में जब कांग्रेस के द्वारा आपत्ति ली गई तो राजनीतिक दबाव और प्रभाव के चलते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा नियम के विपरीत आचरण कर कांग्रेस की आपत्ति को खारिज कर दिया गया। कांग्रेस इस मामले में अब जिला निर्वाचन अधिकारी के कृत्य की शिकायत चुनाव आयोग से कर रही है। शपथ पत्र आपने दिया है वो निर्वाचन आयोग के अधिकृत प्रारूप से हटकर वह शपथ पत्र दिया है, वह भी एक गंभीर आरोप है। उस लिहाज से इंदौर के रिटर्निंग ऑफिसर को उनका इलेक्शन कल ही नामांकन रद्द कर देना चाहिए था। रिटर्निंग ऑफिसर को शिकायत की, उस शिकायत पर रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि हमें शपथ पत्र की जांच करने का ही अधिकार नहीं है। तो शपथ पत्र क्या दही जमाने के लिए दिया गया कलेक्टर साहब? कलेक्टर ने राजनैतिक दबाव में आकर कल कैलाश विजयवर्गीय का फॉर्म ओके किया है और मैं कहना नहीं चाहता हूं, उनकी ईमानदारी पर मुझे संदेह नहीं है। इलैया राजा साहब की, हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी के स्टाफ में भी रहे हैं। फिर है रन की तैयारी, कौन है किस पर भारी, हर तरफ बेरोजगारी, किसकी है ये जिम्मेदारी, हम दिखाएंगे सिर्फ सच हर रोज दखल न्यूज पर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।